दिल में देशभक्ति और सासों में भारत माँ की सेवा का जुनून हो जाओ तैयार सफलता को बनाकर तकदीर और बनो देश के अग्निवीर इंडियन आर्मी अग्निवीर नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन इस बार सिलेक्शन पैटर्न में बदलाव हुआ है अब आपको सिलेक्शन के लिए देना होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इस सुनो सुनो रे सुनो सुनो टेक्स सुपर कोचिंग लाया है हॉट डील सेल जी इस 13 और 14 मार्च को लेके आया है आपके लिए सभी सुपर कोचिंग पर अपटू नाइनटी परसेंट ऑफ और प्लस 33 परसेंट एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री टेक्स पास तो अगर आप एस एस बैंक एल टीचिंग इंजीनियरिंग स्टेट पी एस यूपीएससी और डिफेंस जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए

और बहुत बहुत नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है जल्दी जल्दी आ जाओ भाई चलो क्या <स्थाथी> बात है आ आज जाओ जल्दी से जितने प्यारे दोस्त हैं जितने प्यारे साथी हैं एक बार सेशन में जुड़ेंगे क्योंकि जब से तभी पता चलेगा भाई आज का सेशन। नमस्कार 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 हाय हेलो स्वागत है सभी बच्चों हाय हेलो स्वागत है सर आवाज आ रही है ना जल्दी से बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो नमस्कार देखो स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल रूही बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार है आपको आ जाइए आ जाइए फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे आ जाइए आ जाइए फटाफट से आइए पटना हाईकोर्ट जी के जी सेशन में आप सभी का स्वागत है और प्रीवियस ईयर पेपर आज अंत रहेगा लास्ट पेपर लगा है प्रीवियस ईयर के नाम से जो लगा इसीलिए अब हम इसका कुछ नाम चेंज करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन बन सकते थे आ सकते थे वो तो सारे मैंने करा दिए हैं आपको और जब करा दिए हैं तो ऑबियसली बात है कि कुछ चेंजमेंट लाना पड़ेगा है ना जितने प्यारे बच्चे पार्टी है फटाफट से आ जाओ जल्दी जल्दी से के सेशन की कार्यवाही शुरू की जाए। जल्दी से आ जाओ एक बार नमस्ते नमस्ते खुश रहो आशीर्वाद आशीर्वाद बढ़िया देखो स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर ऑलरेडी लगा हुआ है हाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं सभी कि पटना हाईकोर्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं में उसी प्रोडक्टो काम करना कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम पैटर्न पर अगर आप काम करेंगे तो एग्ज़ाम बात है एग्जाम पैटर्न पे ही काम किया जाता है और एग्ज़ाम पैटर्न पर आप काम करेंगे तो बात है कि एग्जाम में वही कुछ आना है जो एग्जाम पर हम लोग काम कर रहे हैं या जिस पैटर्न पर हम लोग काम करते हैं उस पैटर्न पर ठीक है तो एक बार जितने प्यारे दोस्त हैं उसी पैटर्न पर काम करें जो एग्जाम में पूछा जाना है या एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पैटर्न पर आपको काम कर राइट जल्दी से बताओ हम्म फटाफट से बता दो ठीक है आओ, चलते हैं। चार बज चुका है है ना और जब चार बज चुका है तो हम लोगों की जर्नी भी शुरू हो गई है ठीक है जी प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर जो भी चीज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम ही बहुत बार तो हुआ नहीं है एग्ज़ाम की बहुत बार हुआ हो वो तो देखते हुए जितने एग्जाम में क्वेश्चन जो बने थे वो सारे हम करवा देने रहे हैं हालाँकि कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है तो अब 2016 के 17 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पढ़ा करके कोई फायदा नहीं है ठीक है तो करंट अफेयर भी इसीलिए लगा दिया लेटेस्ट फायदा आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कुछ सेल का पॉइंट है वो जरूर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बिहार एस एस सी सी जी एल मीन्स जी हाँ बिहार एस एस सी सी जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं मात्र और मात्र टू सिक्स नाइन में तीन महीने के लिए आपको और उसके साथ में क्या क्या मिलेगा ये पेड क्लास तो आपको पूरी की पूरी रहेगी रहेगी हर एक क्लास का पी मिलेगा हर एक क्लास का दूसरी चीज़ सम्पूर्ण सिलेबस सम्पूर्ण सिलेबस का मतलब समझना है ना मतलब इसमें ऐसा नहीं कि टू सिक्स नाइन में सिर्फ जीके जीएस होगा नहीं डी के जी एस मैथ्स रीजनिंग सारा कुछ पूरा संपूर्ण सिलेबस रहेगा आपका जो आपको कराया जाएगा या पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मॉक टेस्ट जी हाँ मॉक टेस्ट जो आप मॉक टेस्ट सिर्फ अकेले टू सिक्स नाइन में लेते हैं वो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा टेस्ट बुक का पास और टेस्ट बुक के जैसा मॉक टेस्ट किसी का नहीं है चाहे जिससे मैच करवा लो ये आपको भी पता है शानदार जानदार जबरदस्त बस आपको क्या करना है इस आ, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि देखिए ऑब्वियस ही बात है एग्ज़ाम हो चुका है पीटी दोनों हो गए हैं मतलब जो अभी एग्ज़ाम होना था वो भी हो गया अब रिजल्ट रिजल्ट का वेट है और रिजल्ट आने में मैक्स टू मैक्स बाबू सभी को नमस्कार है हाय हेलो स्वागत है सभी को नमस्कार है बाबू सभी प्यारे दोस्तों को ये एक बात याद रखनी रिजल्ट मैक्स टू मैक्स दो से तीन महीने और तीन महीने में जब रिजल्ट आएगा तब तक ही तुम्हारा बैच कंप्लीट हो चुका होगा और फिर तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा डेली मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट रिवीजन 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 उसी से आपका सिलेक्शन हो कूपन कोड क्या लगाएंगे आर ए जी एच ए वी राघव कूपन कोड लगा करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं कहाँ से इनरोल होंगे तो टेस्ट बुक से टेस्ट बुक का जो ऐप है उससे भी इन हो सकते हैं और दूसरा जो माध्यम है वो है टेक्स्ट बुक डॉट कॉम किसी भी स्थान से जाकर के अपने आप को इनरोल कर सकते हैं तो देरी मत करिए क्योंकि ये सेल जो है आज और कल का ही है सिर्फ ठीक है जाइए और इनरोल हो जाइए ये बिहार एसएससी सीजीएल मेंस बिहार दरोगा बिहार दरोगा जी हाँ इसमें भी टेस्ट बुक का पास बिल्कुल निशुल्क मिल रहा है तीन महीने का टू सिक्स नाइन में सब्सक्रिप्शन है राघव कूपन कोड लगा करके आप सभी प्यारे बच्चे इनरोल हो सकते हैं सारी चीजें वही मिलेंगी जो आपको यहाँ है संपूर्ण सिलेबस यहाँ भी रहेगा क्योंकि दरोगा के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता क्या है जी के जी एस सबसे ज्यादा क्या सौ तो प्रश्न होते हैं और उस, उस सौ में से लगभग लगभग बानवे से तिरानवे प्रश्न जो होते हैं वो जी के जी एस के होते हैं रहे बचे जो पाँच सात प्रश्न होते हैं साथ उसमें होता है आपका मैथ और एक आधा रीजनिंग का काम खत्म ठीक है तो संपूर्ण सिलेबस रहेगा इसमें भी आपको और हर एक क्लास की पी रहेगी तो बहुत ही शानदार मौका है बहुत जानदार मौका है जाइए राघव ओपन को कोड लगाइए और इनरोल टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा इस बात को याद रखिए ठीक है जितने प्यारे साथी हैं जितने प्यारे दोस्त आ जाइए आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है मोटिवेशन पर चलते हैं मोटिवेशन आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्त कह रहा है राह संघर्ष की जो चलता है जी हाँ राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है और ये बिल्कुल सत्य बात है और इसमें कोई भी शक नहीं राह नहीं ठीक है और बिहार एस एस सी जो है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो पाँच गुना आएगा वैकेंसी जितनी थी उसका पाँच गुना लगभग तो लगभग बारह हज़ार लोग पास होंगे कितने लोग पास होंगे बारह हजार लोग पास होंगे इस बात को याद रखिए कितने पास होंगे दोस्त बारह हजार लोग पास होंगे उससे ज्यादा नहीं आगे आ जाओ जैसा कि आपने अगर टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए अगर इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जी के बाई राघो सर टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी डिस्कशन डाउट सॉल्विंग इंटरेक्शन क्विज पोल एवरीथिंग ऑन दिस ठीक है ग्रुप इस ग्रुप से जुड़ जाओ फटाख से जो भी बच्चे नहीं जुड़े आ जाइए आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आंसर देने की कोशिश जरूर की जाए भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे बताइए भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे आप सभी बच्चों को बताना है बताओ जल्दी से प्यारे साथी जितने प्यारे दोस्त हैं झमसे आंसर बताने की कोशिश कीजिए बता दो जल्दी से क्या होगा राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बढ़िया बहुत बेहतरीन बहुत शान बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बिल्कुल जबरदस्त बढ़िया 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 बेहतरीन बिल्कुल शानदार बताए तो याद रखिएगा भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे पहले वो रामानुज थे निम्बाल निम्बार्क आचार्य ज्ञानदेव या इनमें से तो जो चार थे ये हुआ करते थे भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतीक कौन अं थे प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य क्लियर नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी देखो पानीपत के तीन युद्ध हैं पहला युद्ध पानीपत का पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध और तीनों में से एक जरूर पूछा जाता बताइए पानीपत का जो कह रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया तो आपको पता होना चाहिए बैरम खान और हेमू के बीच अकबर और मिर्जा हकीम अकबर और बैरम खान अकबर और प्रताप देखो याद रखो जो पानीपत का दूसरा युद्ध था जिसे हम लोग सेकेंड बैटल कहते सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जिसे कहा गया है बाबू ठीक है ये जो है ये हुआ कब था पंद्रह सौ छप्पन में जब अकबर गद्दी पर बैठा था और अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम था बैरम खान अकबर की उम्र ही बहुत कम थी तो बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा था किसके साथ हेमू हेमचंद्र के साथ हेमू हेम के, के साथ या हेमू हेमचंद्र के साथ क्लियर तो ये युद्ध अकबर की ओर से बैरम खान ने लड़ा था हेमू हेम से। जिसमें हेमू हेमचंद्र पराजित हो गया और हार गया करेक्ट और राइट आंसर क्या हो गया दोस्त बताइए ए राइट आंसर। अब आपके मन में होगा सर पानीपत का पहला युद्ध भी बता ही देते तो सही रहता जो फर्स्ट बैटल था ऑफ पानीपत ऑफ पानी पानीपत पानी का जो पहला युद्ध है ये 1526 में हुआ इसके बीच हुआ था तो याद रखिएगा ये बाबर और इब्राहिम लोदी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें लोदी जो है इब्राहिम लोदी हार गया था और इसकी हत्या कर दी थी बाबर ठीक है याद रखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ा गया था सत्रह सौ इकसठ में ठीक है इसके बीच लड़ा गया था तो एक तरफ मराठा थे और दूसरे तरफ कौन थी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता ठीक है कुछ काम आपको भी करना है बोलो या सानो। मराठा और दूसरे तरफ कौन थे आपको बताना है मराठाओं की जो सेना थी उसका नेतृत्व तो कर रहे थे सदाशिव भाऊ या सदाशिव राव भाऊ बात क्लियर यहाँ पर जो ये अकबर और राणा प्रताप के बीच की बात है ये पंद्रह के बैटल की बैटल ऑफ हल्दी घाटी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात पंद्रह में लड़ा गया था इसको राजस्थान सरकार ने पहले कहते थे कि राणा प्रताप हार गए और है ना रण छोड़कर भाग गए लेकिन अब इसे राजस्थान की सरकार ने बदल दिया है राजस्थान की सरकार ने अपने इतिहास से ये हटा दिया कि राणा प्रताप हारे थे हालांकि ये सत्यता भी उन्होंने बताई कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि अकबर ने उन्हें पराजित कर दिया हो चाहे वो स्वाभिमान के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो उनकी सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो उनके किले के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो ऐसा कोई वो नहीं एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये कहा जाए कि महाराणा प्रताप हार गए थे और इस युद्ध में भी अकबर की ओर से मानसिंह था जो लड़ रहा था तुम लोगों ने आंसर नहीं बताया जी अभी तक है तीसरे बैटल में दूसरा कौन था बड़े एकदम गड़बड़े हो सब लोग आ? आ है ऐसे पढ़ोगे कौन था कौन आया था अहमद शाह अब्दावली कौन आया था अहमद शाह अब्दावली अफगानिस्तानों अफगानियों के साथ हुआ था सही है ऐसे ही पढ़ना है पेपर में तुम ना कर पाओगे तुम बस ऐसे ही लोल बने रहोगे गड़बड़ आदमी चलो आइनो स्फेयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है बताइए बड़े देर में आंसर आ रहा ऐसे लग रहा है सोच सोच के आंसर दे रहे हो सो जाते हो क्या बताओ आइनो इसफेयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है बोलो जल्दी से हाँ सभी लोग बताओ आइनो स्फेयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है <coughs> देखो सिराजुद्दौला लिख रहा है ये तुमको ना तुमको तो सिराजुद्दौला बना के मारा जाएगा गदहा वो प्लासी का युद्ध था तुम पानीपत के तीसरे युद्ध में घुसे जा रहे हो चलो देखो आइनो स्फेयर बात को समझो अगर समझ सकते हो तो मैंने कहा ये क्या है ये पूरे के पूरे पांच स्फेयर ये अर्थ है हमारा अर्थ से लगा हुआ जो स्फेयर है ठीक है वो स्फेयर क्या कहलाता है उसे कहते हैं छोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर क्या कहते हैं शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं उससे ऊपर जो है उसे कहते हैं समताप मंडल अंग्रेजी में कहता कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर उससे ऊपर जो है उसे कहते हैं मध्य मंडल मध्य मंडल मीजो स्फेयर के नाम से जाना जाता है ये जो मंडल हैं अब मैं अगर बात करूं इन तीनों ही मंडलों की तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये दायरा जीरो किलोमीटर से शुरू होकर के अस्सी किलोमीटर के बीच का है और इसी दायरे को हम कहते हैं होमोस्फेयर क्या कहते हैं होमोस्फेयर पिछले बार सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परत होमोस्फेयर में नहीं पाई जाती अंग्रेजी में लिखो हिंदी में लिखो यही लिखना पड़ेगा ठीक है <laughs> अब देखो ये तीनों की तीनों परतें कहाँ पाई जा रही हैं होमोस्फेयर में जैसे ही 80 किलोमीटर के ऊपर बढ़ोगे तो मिलेगा आपको आयनोस्फेयर इस इसे आप कहोगे आयन मंडल आयन मंडल मतलब आयन मंडल कहाँ मिलेगा अस्सी किलोमीटर के ऊपर कौन सा आंसर है अस्सी किलोमीटर के ऊपर विल तो बी द राइट आंसर ठीक आ हो और आइनो स्फेयर के ऊपर होता है बहिर्मंडल कौन सा मंडल बहिर्मंडल मंडल या एक्जो स्फेयर कहते हैं ठीक है जितनी भी भारी गैसें होंगी जितनी भी भारी गैसेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पाए जाएंगी ठीक है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो नाइट्रोजन हो रहा हूं ऑक्सीजन हो ठीक है जो हल्की गैसें हैं वो यहां पाई जाएंगी जैसे हाइड्रोजन हीलियम ये यह यहां पाई जाती क्लियर हो गई बात जल्दी से बताओ ठीक है चलो अर्नब गलत बात दोस्त ऐसे किस बोलो नहीं ठीक है देखो हमेशा एक बात याद रखो हाई हमेशा एक बात याद रखो कोई कुछ कहे ना चुपचाप सुन के निकल जाओ उसका ईंट का जवाब पत्थर से तुम्हें किससे देना है इससे देना है समझ गए कि नहीं समझ गए इससे देना है याद रखो कोई कुछ कह रहा है ना सुन लो एक बार सच बता रहे दोस्त और यकीन मानो तुम उससे पहले सिलेक्शन पा जाओगे यकीन मानो वो ऐसे चिल्लाता रहेगा चिल्लाने दो उसको ठीक है कोई बात नहीं छोड़ दो तुम सिलेक्शन पा जाओगे ना अपने आप हाँ चुप हो जाएगा रोता घूमेगा यार हम यही करते रह गए वो सिलेक्शन ले गया हमसे बहुत कम पढ़ाता पढ़ता था बहुत कम आता था तब भी सिलेक्शन हो गया समझ गए कि समझ गए फिर में बाद में यही कहता है ठीक है ना तो इसलिए यहाँ पर ऊपर तो काम करो ठीक है ना दोस्त चलो आगे बातें नहीं करेंगे हालांकि इस पर बहुत सारी बातें हैं क्षोभ मंडल में आप जानते हैं सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं ठीक है, है? जबकि अगर आप बात करोगे समताप मंडल में कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं घटित होती और हवाई जहाज के उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है जो ओजोन परत है वो भी आपकी समताप मंडल और क्षोभ दोनों में पाई जाती है लेकिन जो मेजर हिस्सा है नब्बे प्रतिशत का वो कहाँ है समताप मंडल में और दो जो दस प्रतिशत हिस्सा है वो जोन परत का वो कहाँ है क्षोभ मंडल में है जो मध्य मंडल है वो सभी मंडलों में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है इसलिए इसे कोल्डेस्ट स्फेयर भी कहते हैं क्या कहते हैं बाबू कोल्डेस्ट स्फेयर भी कहते हैं या सबसे ठंडा मंडल कहते हैं आइनो स्फेयर में क्या होता है बाबू लोग बताइए यहाँ पर उपग्रह हैं क्या है यहाँ पर उपग्रह हैं उपग्रह का मतलब सैटेलाइट हैं कौन से जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे पहले के जमाने में आपने देखा कभी गूगल मैप नहीं होता था ऐसा कुछ आजकल आप खड़े हो पता चला कहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर पर और आप कह रहे हो मुझे गांधी मैदान जाना है जैसे तुमने डाला और वैसे ही गूगल ऐसे घूम के खड़ा हो गया ऐसे करा स्टेट चलिए है, है ना बोलता है ना बोलता कि नहीं बोलता वॉक स्टेट टू थ्री मीटर एंड आफ्टर टेक अ राइट टर्न इस तरीके से बोलता है कि नहीं बोलता जल्दी से बताओ ठीक है कि नहीं तो जो उपग्रह पाए जाते हैं आर्टिफिशियल जो उपग्रह हैं कृत्रिम उपग्रह है बेटा वो कहाँ बाबू पाए जाते हैं कृत्रिम उपग्रह बोलो जल्दी से सारे के सारे आयनों स्फेयर में है या आयन मंडल में क्लियर हुई बात की नहीं है हाँ, 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 जल्दी से बताइए चलिए आगे चलें अब बहुत बढ़िया आगे आ जाओ तो सी विल सभी बच्चों को बताना है बताइए बाबू क्या होता है बोलिए सभी लोग मंदिर से राइट हो जाइए चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया सभी को नमस्कार है बाबू लोगों को आ जाइए तो देखो डेसीबल क्या है ध्वनि को मेजर करने की या कह सकते हो ध्वनि की जो तीव्रता है ध्वनि का जो स्तर है ठीक है तीव्रता है इंटेंसिटी है उसकी जो उसका जो स्तर है उसे मापने की इकाई होती करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन राइट जल्दी से बताओ जैसे हम आपको बताएं, जैसे किसी का 180 डेसिबल डेसीबल है इसका मतलब समझ रहे हो? पर्दा फट जाएगा मर जाएगा आदमी इतना है बम है बम बम समझते हो ना मिसाइल गिरी जाके बम इस तरीके ये है जैसे हम और आप सामान्य बातचीत करते हैं तो सामान्य बातचीत जो होती है वो दस डेसिमल से लेकर बीस डेसिमल के बीच हो ये सामान्य बातचीत है थोड़ी बातचीत में गुस्सा गुस्सा आया अरे कैसे कर काम नहीं करेगा बढ़ गया डेसिमल बीस डेसिमल तो पहुंच जाती है बोलो बात समझ में आई कि नहीं बोलो ऐसे ट्रक सुन देखा ट्रक देखा ट्रक कई बार आप ट्रक से पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर यात्रा कर लीजिए देखिए फिर दिमाग में ट्रक चलने लगता है उं, उं, आ, हिल भी रहे हो इस तरीके से है ना बोलो हाँ ना ठीक याद रखिए चलो रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी जल्दी से बताओ जल्दी से बोलो चमगादड़ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलता है हाँ एक तरीके से ठीक है तभी वो अपनी चीजों को देख पाता है बताओ जल्दी से फटाफट बट बोलो उसी नगर के मल्ल शासक थे वैशाली के लीचवी और मगध और कपिल वस्तु के शाकी इनके पास में गणता गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी या कह सकते हो रिपब्लिकन सिस्टम नहीं था तो याद रखिएगा रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो मगध के पास नहीं इसके पास नहीं था बाबू लोग मगध के पास नहीं था ठीक है ठीक है बात क्लियर है कि नहीं सद्दाम यार कम से कम नाम लेने से पहले तो तुम सोचते कि आपके मजहब में ये हरम है आया नहीं है आ? बोलो हाँ या ना और जबरदस्ती ऐसी चीजों का नाम ले रहे हो गलत बात है कि नहीं बोलो सॉरी फिर चलो हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल अस्त्र या अस्त्र हिंद 2022 या 22, कहां शुरू हुआ सिडनी राजस्थान मेघालय और इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताओ बोलो फटाक से हम्म जल्दी से बोलो दोस्त ठीक है ये सब नहीं बोला करो सबका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे जीवन में कोई अस्तित्व अच्छा एक बात आप बताओ ईमानदारी से तुम क्लास पढ़ने नहीं आए होगे ऐसा कोई दिन हुआ हो हमने तुम्हें क्लास ना पढ़ाया हो यूट्यूब पे ऐसा कोई दिन हुआ हो कि हमने आपको क्लास ना पढ़ाया होली पे भी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे चाहते तो ना पढ़ाते क्योंकि किसी सर ने क्लास नहीं पढ़ाई थी है ना पैसा नहीं है ना ये सब चीजें हमारे जीवन से बहुत दूर इनका कोई अस्तित्व नहीं है ठीक है और आप भी अपने जीवन में इनका अस्तित्व नहीं रखिए ठीक है चलिए तो अस्त्र हिंद जो है वो कहाँ पर हुआ ये बताना है सिडनी कहाँ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में राजस्थान कहाँ है भारत में और मेघालय कहाँ है जल्दी से बताओ बोलो आया ना भारत में है जी असम से काट करके मेघालय बना था गारो खासी जयंतियां तीन पहाड़ियों को इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट और राइट आंसर जो होगा वो राजस्थान वहां पर राजस्थान ठीक है नमस्कार 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 ठीक है आ जाइए आगे आ जाओ निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है बाबू लोग बताएंगे हम्म जल्दी से बताओ कोबाल्ट किस में उपस्थित होता है सभी को बताना बढ़िया 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 इतने प्यारे बच्चे हैं बहुत बढ़िया एकदम अच्छा आंसर कर रहे हैं तो याद रखिएगा ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल विटामिन सी और विटामिन बी टू देखो एक बात को समझो हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन एक्चुअल इट इज अ बेसिकली हीमो इज अ कलर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एक तो ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके रंग के लिए ठीक है अच्छा क्लोरोफिल आप जानते हो अगर ये नहीं होगा तो जो प्लांट हैं प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रोपिक्स होते हैं ऑटोट्रोपिक का मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बोलो हाँ ना तो कहोगे हाँ अगर ये नहीं तो काम खत्म गड़बड़ है अच्छा विटामिन सी विटामिन सी तो आप जानते हैं किस में पाया जाता है अट्टे पदार्थों में तो नींबू हो गया टमाटर हो गया संतरा हो गया ठीक है और क्या हो गया भैया जी बताइए आंवला हो गया इन सब में क्या पाया जाता है इन सब में क्या पाया जाता है तो आपको विटामिन सी पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व इज अ पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी है जो वो उसके कॉम्प्लेक्स है मतलब कहने का उसके भाग हैं तो ये उसी का हिस्सा है इसका वास्तविक नाम जो है वो है साइनो कोबालामिन और इसमें पाया जाता है कोबाल्ट इसमें उपस्थित है कोबाल्टलो बात याद रहेगी तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा विटामिन बी ट्वेल्व इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ठीक है आगे आ जाओ हाँ आप इमली लिखना इमली में लिख सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है ऐसे तो फिर जंगल जलेबी में भी थोड़ा सा रहता है हल्की खट्टी रहती है वो ठीक है मेलानिन जो होता है वो त्वचा शरीर की त्वचा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के लिए नहीं होता है रे पगला हम्म शरीर की जो त्वचा होती जो, जो चमड़ी नहीं है ये काली है गोरी है इस तरीके से समझ गए हाँ आगे आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित बताइए गुलाम राजवंश से संबंधित कौन सा शासक है आपको बताना एलतुत में अकबर और हुमायूं बताओ जल्दी से हम्म फटाफट बट से बताओ ये चमड़ी के लिए उत्तरदायी है अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी देखो हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं और तुमने पूछा है तो हम बता दे रहे हैं ठीक है ठीक तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति इस ऊपर वाले हिस्से में बढ़ता है उसकी चमड़ी गोरी होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे बड़े बड़े गोरे गोरे लोग पाए जाते हैं बोलो रे हाँ या ना और जैसे आदमी निचवा की तरफ बढ़ना कर शुरू करता है इधर इधर वाले हिस्से में बढ़ना शुरू करता है इधर वाले हिस्से में वैसे वैसन क्या है उसकी चमड़ी काली पाई जाती है बोलो साउथ इंडिया में जितने लोग हैं वो सब कैसे होते हैं चाहे वो गोवा के ले लो है ना कर्नाटका के ले लो केरला के ले लो तमिल के ले लो आंध्र प्रदेश के ले लो उड़ीसा के ले लो कैसे हैं ब्लैक हैं बोलो हाँ या ना अब गाना नहीं गा देना काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी से बोलो लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे हिमाचल जाओ जम्मू जाओ लद्दाख जाओ हाँ तो, उत्तराखंड जाओ देखो एकदम गोरा गोरा नाक चपटी टिंग टिंग फिंग फिंग पोंग बोलो तो हाँ ना मिलता है कि नहीं मिलता है तो यह जो आदमी है तो इसमें लॉजिक समझ में आया ठंडक की वजह से कहीं ना कहीं चीजें जनरेट होती हैं ठीक है थीके? याद रखिएगा चलो तो गुलाम वंश का शासक पूछ रहा है गुलाम वंश का शासक कौन है इलतूत मिस है बाकी के दिए गए सभी के सभी लोग मुगल वंश से संबंध रखते हैं मुगल वंश से संबंध रखते हैं अरे भाई जो हीरोइन हीरोइन होती है वो होती तो यहाँ की है रहती कहाँ है मद्रा रहती कहाँ है मद्रास की रह कहाँ रही है गुजरात में रह कहाँ रही है बम्बई में बोलो ना बात को समझो ठीक है ना टिंग फोंग फिंग गाना सुने हो टिंग डोंग डिंग आ जाइए नेक्स्ट आओ भाई पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे अर्जुन देव गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर बताइए आज मैं थोड़ा मजेदार मतलब मजा लेके पढ़ाने के मन में हूँ बस और कुछ नहीं आप लोग पढ़ते रहिए मौज लेते रहिए और भैया लाइक वाला बटन कौन दबाएगा बताइए लाइक वाला बटन कौन दबाएगा जल्दी से दब दो फटाक से झम से मारा करो ये सब काम बेईमानी वाले नहीं किया करो हाँ लाइक वाला बटन भी दबाना रहता है ठीक है हाँ और जो भी नए बच्चे हैं वो सभी के सभी राघव सर से जुड़ जाएंगे जी के बाय राघव सर ठीक है टेलीग्राम चलो बढ़िया करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त प्यारे साथी गुरु नानक कौन थे गुरु नानक भाई पहले तो गुरु नानक ही आए थे इसके बाद बहुत सारे लोग आए धीमे धीमे आए हाँ हैं ना ठीक है उसके बाद भाई सिंपल सी बात है गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आए फिर रामदास आए फिर अर्जुन देव बहुत सारे लोग आए कुल मिला के दस गुरु आए ऐसे कह सकते हो अर्जुन देव तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह ये वो चार नाम है बड़े बड़े फेमस नाम है ये सिखों के पाँचवें गुरु थे और इनकी फांसी दी गई थी इनको जहांगीर ने फांसी दी थी जहांगीर ने फांसी दी थी पर किस लिए दी थी पता है ये जहांगीर के बेटे की इन्होंने सहायता की थी जिसका नाम था खुसरो ये सवाल कई बार आया है जहांगीर ने क्यों फांसी दी थी क्योंकि खुसरो की इन्होंने सहायता की थी और खुसरो ने ऐसा क्या कर दिया जहांगीर से अपने पिताजी से कहा आ जाओ बेटा दो दो हाथ हो जाते हैं दोनों में युद्ध हो गया तो ये भैरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था हालांकि खुसरो हार गया था इस बात को याद रखिए ठीक गुरु तेग बहादुर यह बहुत है मतलब नकचढ़े कह सकते हो तरीके से नक चढ़ेगा मतलब समझते हो औरंगजेब ने बुलाया इनको का पैगाम भेजा कि हाजिर हो दरबार में पहले तो ये गए नहीं और जाना जरूरी होता था पर फिर दोबारा आया फिर ये गए तो कहा लिए बुलाया क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना इनके समय में जो सिख धर्म है वो तो बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था मतलब बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था फेमस हो रहा था और ये बात पता चली औरंगजेब को औरंगजेब तुरंत बोला ऐसा है हम का इसका इसका पता उद्देश्य क्या था इसे आलमगीर कहा गया दरवेश कहा गया ठीक है ना और बेसिकली इसका उद्देश्य था कि हिंद जो हिंदुस्तान है उसे इस्लाम का देश बनाना इस्लामिक कंट्री बनाना तो ये बोला एक काम करिए आप सिख धर्म छोड़िए और आप इस्लाम धर्म को अजमा लीजिए मतलब इस्लाम धर्म को अपना लीजिए अजमा नहीं लीजिए अपना लीजिए और इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए खुनसिया गए वो हाँ क्या कहा फिर से कहो ए, इस्लाम धर्म क्यों मान लें हम जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहेंगे नहीं मानते तुम्हारा धर्म बस इसी में इनके ऊपर ये खिसिया गया खिसिया क्या गया जानते हो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे और ये ये कह के चले आए और जैसे ये आए कह करके ये तो वैसे वो पगला आदमी था इनको चांदनी चौक जो दिल्ली में है कभी जाना तो देख लेना वहां गुरुद्वारा भी बना है चांदनी चौक के गुरुद्वारे शीसगंज में शीसगंज यहीं पर इसने इसकी हत्या करवा दी क्या करवा दी हत्या करवा दी इस बात को याद रखिए लिखना पड़ेगा हत्या भी लो तो लिख देते हैं हत्या करा दी ठीक है बाबू लोग बोलो ठीक आ गया सर हाँ सर कलम कर लिया था सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है बताओ अंतश्रावी ग्रंथि सबसे छोटी अंत श्रावी ग्रंथी कौन सी है बताओ, बताओ बाबू लोग फटाक से बताएंगे सभी बच्चे बढ़िया सबसे छोटी अंतश्रावी ग्रंथि ठीक है थेरापियूस ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं परा परावट या पैराथायरॉइड ग्लैंड या अधिवृक्क एड्रिनल या वृषण या टेस्टिस बताइए देखो जो ग्लैंड्स होती हैं ना आपको पता है ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं पहले ये बताओ ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं तो आप कहोगे ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो हैं लेकिन इसमें एक तीन भी आ गई कैसे एक है एंडोक्राइन ठीक है दूसरी है एक्जोक्राइन और एक तीसरी जो निकल के आई इन दोनों से मिल करके वो कहलाती है मिक्स्ड ग्लैंड और हमारे बॉडी में एक ही मिक्स्ड ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियाज क्या नाम है पैनक्रियाज याद रहेगा बोलो और सबसे छोटी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसे बोलते हैं थी और प्यूज ग्रंथी को ही कहा जाता है मास्टर ग्लैंड इसे क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसका वेट बहुत छोटा थोड़ा होता है 0.6 ग्राम के आसपास 0.6 ग्राम के आसपास ठीक है फटाफट पट से बताओ ठीक? लार्जेस्ट ग्लैंड अगर बॉडी का पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी ऑफ बॉडी क्या होता है तो लो लीवर जिसे यकृत कहते हैं यकृत ठीक है और यकृत की खासियत है ये नब्बे परसेंट तक अगर सड़ जाएगा तो भी जो दस परसेंट यकृत सही बचा है लीवर वो अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है अक्सर सुने होगे जो लोग बहुत पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है सुने हो नहीं सुने इसी तरीके से सुन लीजिए जब आपको पीलिया होता है पीलिया लीवर में सूजन आ जाती है ध्यान से सुन लो सूजन के बाद मान लीजिए पीलिया से आपको क्या हो गया हेपेटाइटिस हो गया हैपेटाइटिस हो गया ए फिर हैपेटाइटिस बी फिर हैपेटाइटिस सी यहाँ मर जाता है आदमी ये स्टेज हैं कभी डायरेक्ट हैपेटाइटिस नहीं होता किसी को सबसे पहले पीली अज्वेंडिस होगा और जो भी पटना में रहता है उसको तो ये पता ही होगा पक्की बात है आया जी ईमानदारी से बताओ हाँ ना ठीक है ना तो लीवर क्या होता है सड़ जाता है लीवर क्या हो जाता है सड़ जाता है बिल्कुल आप ऐसे समझिए जब हेपेटाइटिस बी ए और बी में पहुंचता है ना तो सड़ जाता है और फोले से पड़ जाते हैं उसके ऊपर फिर डॉक्टर काट काट करके रिमूव करता है ठीक है लेकिन तब भी स्थिति अगर सही रही उचित रही तो बच जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या संसद के दोनों सदन के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से बताइए प्रमाणित कदाचार के आधार पर बताओ जल्दी से फटाफट पट से बोलो हम्म अच्छा आप बताओ मुझे कैसे पता चला कि पटना में ज्वाइंडिस होता ही है बताओ क्योंकि मुझे स्वयं हो गया था समझ गए हैं हाँ चलो चलो भाई चले बढ़िया करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रपति के देखो सब डी आंसर दे रहा है। अरे रे भाई रहोगे तो यार। हम्म उसके बाद में पटनम कभी नहीं रहा कभी नहीं जाऊं भले ही पर रहता नहीं हूं कोशिश यही रहती अदीना मस्जिद कहां स्थित बंगाल, जौनपुर गुजरात इनमें से कहीं नहीं बताओ तो जल्दी से हाँ भैया बहुत खतरनाक जगह है बहुत खतरनाक जगह चलिए जाना नहीं तबीयत खराब हो जाएगी अब तो नवाबों के शहर में आते जाते रहते बहुत जगह आना जाना रहता है कहा स्थित है बोलो जल्दी से बंगाल में जौनपुर को जानते हो क्या कहते हैं जौनपुर किसने बसाया था बोलो तो याद रखिएगा जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक ने अपने भाई जूना खान या कई पुस्तकें इसे जौना खान लिखती हैं यही वो आदमी है जो राज जब सुल्तान बना था तो एम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया था इसकी याद में इसने जौनपुर को बसाया था और जौनपुर जो है इसे सिराज ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं सिराज ए हिंद कहा जाता है याद रखिएगा क्या कहते हैं सिराज ए हिंद ठीक है बढ़िया आ गया दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा नहीं जाना है घर पे रहो घर पे मौज से पढ़ो देखो तो घर जैसी पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती बाकी तो आप समझदार हो घर में दो इधर से पढ़ता रहेगा दो उधर से पिताजी निकले वो तुमको एक बार होंक देंगे माता जी निकली पता चला उन्होंने भी पता चला जो मिल गया वही होंक दिया समझ गए ना अब पटना में रहोगे वहाँ कोई है ही नहीं कहने सुनने वाला अपने मन से उठ रहे हो पता उठे बारह बजे रे दोपहरी में कितने बजे होते सबेरे चार बजे ये सब वो हो जाता है घर में मौज रह के पढ़ो आज के समय में तो बाहर जाना बेवकूफ़ी है मैं सच बता रहा हूँ जब सब कुछ आपके घर तक पहुंच रहा है तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता और याद रखिएगा हमेशा जो व्यक्ति तुम्हारा शोषण करना चाहेगा वो व्यक्ति तुमसे बहुत मोहब्बत से बती आएगा बहुत मोहब्बत से अभी देखा पापक बती आते हुए मोहब्बत से अगर थोड़ी देर मोहब्बत दिखाई थोड़ी उसके बाद पता नहीं कब तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए पता नहीं है हाँ ना मम्मी कभी नहीं तो वो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन सफलतापूर्वक हो सफल जीवन बने आप एक अच्छे इंसान बनो आप एक अच्छे व्यक्ति बनो आपका जीवन अच्छा हो है ना इस बात को याद रखो यार नेट की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अब बिहार का तो मैं नहीं कह सकता बहुत क्योंकि वहां तो स्थिति सही नहीं रहती नेटवर्क की सही बात है लेकिन हाँ अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो करिए शहर जाने का कोई मतलब नहीं मुगल वंश की भी भाष जो दरबारी भाषा थी मुगल वंश की जो दरबारी भाषा थी वो भी फारसी थी याद रखिएगा ठीक है जितने प्यारे दोस्त हैं ठीक है ना चलो आ जाओ क्षेत्र <laughs> को चराखा का बेल्ट कहते हैं तुम लोगों के ऊपर हाथ क्या रखा तुम लोग तो अपना दर्द बयां करने लगे कोई कह रहा है पापा बहुत चिल्लाते हैं कोई कह रहा है मम्मी बहुत मारती हैं गलियाती हैं भले के लिए ठीक है हाँ खेत पे निकल जाओ बैठ के पढ़ो कोई डिस्टर्बेंस पढ़ने वाले के लिए कोई डिस्टर्बेंस कहाँ पर पाया जाता है बेल्ट बेल्ट पाया जाता है अफ्रीका कहाँ पर अफ्रीका में ब्राजील में कंबोज पाया जाता है घास का मैदान कंबोज घास के मैदान पाए जाते ठीक है आयरलैंड में क्या है स्टेपीज़ है यूरोप का हिस्सा है ना ये कनाडा प्रेरी है प्रेयरी। ये पाया जाता है। ठीक है ना चलो आगे आ जाओ ये सवाल करके दिखाओ चलो इस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था मिस्र इसराइल साउथ अफ्रीका और मालदीव। जल्दी से बताओ चलो अब ठीक है बता लिए भैया बता लिए अब बताते ही रहोगे क्या तुम लोग तो बड़े दुखी लग रहे हो घर वालों से हैं? पीछा छुड़वाना चाह रहे हो क्या हैं? सब दुखी हो गया एक बार पूछ क्या लिए चल काम करो सब लोग इधर उधर की बतिया करते रहते हो ठीक है हमारे हिसाब तो सुबह उठो संजा एक एक जरूर तुम्हें लोगों को देना चाहिए सुबह के एक गरम गरम समोसा और एक शाम को गरम गरम एकदम लपेट के एकदम दो झन से एकदम कान के नीचे कहा है जी काम हुआ नहीं हुआ एकदम झन से फिर एक और दो लगने चाहिए डेली समझ गए नहीं समझ गए पहले के ज़माने में मास्टर जो होता था उसको छूट होती थी पहले के जमाने में मास्टर को छूट होती थी घर वाले कहते थे साहब है ना बस बाकी जैसे समझ में आए वैसे देख लीजिएगा समझ गए नहीं समझ गए है ना ना आँख वाँख, कान वान शरीर से खून ना निकले बाकी सब देख लीजिएगा अपने हिसाब से मास्टर देख एकदम लप हुआ डंडा लेता था, था ऐसे वाला देखे ना दतून वाला नीम की दतून वाला डंडा फिर उससे तुमको ढंग से एकदम फाट फाट ऐसे मारता था ना वो तो मजा ही अलग था तो सुबह संध्या मिलना चाहिए ठीक है टेंशन नहीं लिया करो तो कौन आए थे अब्देल फतह अल सीसी ठीक है याद रखिएगा कहाँ के थे मिश्र के कहा के थे दोस्त अब्देल फतह अल सीसी ठीक है ना याद रखिएगा मिश्र के चलो आ जाओ आगे <coughs> लोग जमाने बहुत मारता था मास्टर गया ये बहुत मारता था मास्टर अब आप लोगों को तो मान लो कुछ कह दो तो भी दुखी हो आ तुम यही कह दो कहा ऐसा कह दिए ऐसा कैसे गुरुजी समझ गए अनलोक जमाने मास्टर बहुत मारता था मतलब उसको एक मौका चाहिए था मारने का ऐसे समझ लो तुम है ना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है जाति धर्म क्षेत्र राष्ट्रीय हित तो जाति भी है धर्म भी है राष्ट्र हित डी विल बी द राइट आंसर बोलो हम्म चलो इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है या इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है या कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में बताइए सात दस बारह पाँच कौन कौन से होते हैं ये भी बताइए रेनबो में कितने कलर होते हैं आपको बताना है बताओ जल्दी से हम्म जल्दी से बोलो कितने कलर होते हैं बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा वेब ग्योर यही होता है बोलो हाँ ना यही तो सात कलर होते हैं बाबू वेबग्योर कौन कौन से हैं आप बता पाइएगा जल्दी से बताओ बढ़िया देखो कह रहा है दिखाता है अब बताओ इसको छह दिख रहे हैं इसके जीवन में कैसे काम चले ये कौन सा है इसे वायलट कहते हैं ये कौन सा है इसे इंडिगो कहते हैं ये कौन सा है इसे नीला कहते हैं ब्लू कौन सा है आप समझदार हो तो ग्रीन नहीं समझदार हो तो पीला भी कह लो येल्लो आ गया ये कौन सा है ऑरेंज आ गया और ये कौन सा है रेड आ गया बोलो मिल गया जल्दी से बताओ फटाफट पट से बोलो बढ़िया बात मिल राइट आंसर नेक्स्ट आओ टुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं ये नहीं कहते ना घर में पाए जाते हैं टंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं बोलो जल्दी से बाबू बताओ जल्दी से फटाक से कहाँ पाए जाते हैं टंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं बढ़िया बोलो जल्दी से आप कहोगे गुरुजी ये पाए जाते हैं कहाँ सीतोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन नहीं होता था आपको बताना है बताओ हम्म टेम्परेट जोन जो होता है उसका टेम्परेचर माइल्ड माइल्ड क्या मतलब ठंडा रहता है आपसे मैं ये कहूं कि लगभग लगभग बीस से बाईस डिग्री सेल्सियस है ठीक है बीस से बाईस डिग्री सेल्सियस क्योंकि तो अगर आप थोड़ा भी देखोगे ना इस तरीके से तो ये इक्वेटर हो जाता है जीरो डिग्री ये साढ़े तेईस है बोध द हेमस्फियर और साढ़े तेईस से जो ये साढ़े छियासठ के बीच का एरिया है ये वाला साढ़े तेईस से तो तेईस डिग्री एंड हाफ और सिक्सटी सिक्स होल वन बाई टू डिग्री है साउथ का ये रीजन है और ये नॉर्थ का तो ये जो एरिया होता है ना ये वाला एरिया इसको हम लोग टेम्परेट एरिया ही बोलते हैं और इस एरिया का जो टेम्परेचर है ना तो ठंडा रह मतलब एक तरीके से आप समझो ना बीस बाईस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या सिनेरियो बनेगा यहाँ पे बीस से बाईस डिग्री सेल्सियस रहता है ठीक है ये टेम्परेचर रहता है ठीक है तो माइल्ड है एक तरीके का एक अच्छा मौसम होता है जैसे जम्मू अम्मू है हिमाचल है जो तो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या होता है डाउन रहता है हमेशा ठंडक बनी रहती है बात समझ रहे हो जैसे इस टाइम पर अगर आप देखोगे भैया बॉम्बे की हालत ऐसी है आप तो समझ नहीं सकते बाहर निकल जाओ तो लू चल रहा है और अपने यहाँ तुम स्वेटर पहने घूम रहे होगे गए संजय है ना तो ये से स्थिति है ये पिछले सवाल का था तुमने पूछा इसलिए बता दिया हमने ये पिछला जो सवाल था ये वाला इसका था ये इसीलिए बना दिया राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग कौन नहीं है राज्यपाल नहीं होता है राज्यपाल राष्ट्रपति ये सब अंग में नहीं आते हैं भी के याद रखिएगा चलो किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे दिया गया राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को राज्य विधान मंडल को या संसद को बताइए <laughs> देखो क्या लिख रहा था सर आप ऐसे लग रहे जैसे फोन में घुस करके मुझे मारेंगे हाँ हाँ बस यही रह गया हमारे पास काम। तो राइट आंसर क्या है राज्य का विधान मंडल क्या बोलोगे राज्य का विधान मंडल ठीक है नेक्स्ट आ जाओ निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संवर्ती सूची में रखा गया है कौन सा है जी और संवर्ती सूची में है बताइए बोलो जल्दी से जनसंख्या नियोजन है जनसंख्या नियोजन के साथ परिवार नियोजन है आर्थिक कर है राजकोष है कहाँ बताओ समवर्ती सूची में तो शिक्षा भी है समवर्ती सूची में तो विवाह भी है न्यूज़पेपर भी है तलाक भी है विवाह के साथ बोलो फॉरेस्ट्री भी है, है या नहीं फैमिली प्लानिंग भी है जल्दी बताओ करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बी, बी द राइट आंसर चलो ये बताओ फुटबॉलर पांच वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन है ने, लियोन मेसी नेमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनमें से कोई नहीं फटाफट से बताओ और भाई अभी तक आप लोगों ने लाइव देखो लाइव की तो हाफ सेंचुरी बड़ी पहले हो जाती है लाइक like की हाफ सेंचुरी अभी तक नहीं हुई गलत बात है सभी लोग लाइक कर देंगे हाफ सेंचुरी पूरी करो जल्दी से चलो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा रोनाल्डो क्या बोलोगे रोनाल्डो रोनाल्डोलो द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे चालुक जो थे वो बदामी के थे चालुक वैंगी के थे चालुक कल्याणी के थे या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताओ करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा मौसी नहीं है लिख लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर जगह मौसी और मैसी नहीं है करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा वेंगी के चालू कौन से चालुक्य थे वेंगी के चालुक्य आगे इस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में प्रेरी प्रदेश में भूमध्य सागरी प्रदेश मानसूनी प्रदेश और विश्वत प्रदेश या विश्वतीय प्रदेश बताया जाए दोस्त इतने प्यारे साथी हैं बढ़िया करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा मानसूनी प्रदेशों में अक्सर देखने को मिलता है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होगा आ, समान वेग समान बल समान गति समान तुरंत बताइए बच्चा पार्टी बहुत बढ़िया करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा जो त्वरण होगा उसका वो समान होगा समान होगा जो त्वरण होगा, होगा वो उसका समान होगा इस बात को याद रखिए ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट आ जाइए त्वरण मतलब एक्सेलरेशन निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है बारह उपांग चौदह उप पूर्व बारह अंग और चौदह पूर्व बोलो भाई कौन कहलाता है करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा चौदह पूर्व कौन सा चौदह कहना हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है फ्रांस अमेरिका जापान और इसराइल फ्रांस अमेरिका जापान और इजराइल बहुत ही प्यारे बच्चे बढ़िया शाबाश एकदम जलवा काट देते हो आप लोग बढ़िया बढ़िया ठीक है चलिए तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा अमेरिका ने लॉन्च किया है ऑरियन अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दर सबसे अधिक है पराबैंगनी सूर्य की रोशनी गामा किरण अवरक्त किरण बताइए गामा किरण या अवरक्त किरण बहुत बढ़िया शाबाश जितने प्यारे बच्चे हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा अवरक्त इंफ्रारेड कौन सी इन्फ्रारेड याद रखिए गामा रेस की क्या ज्यादा होती है भेदन क्षमता भेदन क्षमता ज्यादा होती है गामा रेस सबसे ज्यादा और सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है याद रखिए अल्फा रेस की थी? अल्फा रेस जो होते हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है इस बात को ध्यान रखिए क्या बोलोगे अल्फा रेस की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है इस बात को याद रखिए कैसी होती है दोस्त सबसे कम होती है उनकी भेदन क्षमता इस बात को याद रखिए बोलो ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है।, है बहुत शानदार चलो ठीक आगे आओ एनसीसी का चौहत्तरवा स्थापना दिवस कब मनाया गया एनसीसी का चौहत्तरवा स्थापना दिवस कब मनाया गया जल्दी से बताओ 28 नवंबर, 27 नवंबर, 26 नवंबर इनमें से आपका आंसर क्या होगा बोलो 26 नवंबर, 27 नवंबर को मनाया गया छब्बीस नवंबर सत्ताईस नवंबर को मनाया 26 नवंबर को क्या मनाते हैं तो आप कहोगे संविधान दिवस और क्या मनाते हैं 26 नवंबर को तो आप बोलोगे राष्ट्रीय दिवस नेक्स्ट कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश है लंबाई, समय द्रव्य कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश राशि बढ़िया जल्दी से बताओ कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश है फटाफट से बोलो बढ़िया 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 सभी लोग बताओ करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा दोस्त याद रखिएगा वे क्या है सदिश है बाकी की क्या है सारी अधिस राशियां ऐसी है। राशियां हैं अधिस राशि कैसी राशियां हैं बाबू लोग अधिस राशियां हैं इस बात को याद रखिए ठीक है बस खत्म होने वाला है बाबू परेशान नहीं हो ठीक है खत्म होने वाला चलिए कह रहा भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण हो था? संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो कौन निकालेगा जल्दी से बताओ अरे केजीएफ या यार तुम भी चुटकी क्यों लेते हो <laughs> बस खत्म होने वाला बाबू थोड़ी देर में हो जाएगा पांच दस पांच सात मिनट <laughs> चलिए जल्दी से बताओ जितने बच्चे प्यारे हैं जब से बताओ भाई हम्म बहुत बढ़िया पार्लियामेंट के पास होता है इस बात को याद रखिए टीएजी नहीं बोला करो भाई आप लोग सी क्यों बोलते हैं सी का ये काम ही नहीं है सी का सिर्फ एक काम होता है वो समझ लो अपने दिमाग में रख लो ये इसका सिर्फ काम है ऑडिट करना और ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करना ऑडिट और रिपोर्ट ये दो काम करता है बस किसकी ऑडिट करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो भी संस्थान है जो भी कंपनियां हैं मतलब जो भी अकाउंट है सबका ठीक है याद रखिएगा ठीक है क्लियर जलियावाला बाग के नरसंहार के समय वायसराय कौन था कैनिंग था ट्रांसफोर्ट था करजन था रिपन था बताइए फटाफट से बोलो बोलो जल्दी से हम्म करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा चम्स ये 1916 से लेकर के 1921 तक था बोलो हाँ ना तो 1916 से 1921 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई सब इसी के टाइम चाहे वो तो जलिया वाला बाग हो रॉलेक्ट एक्ट हो ते? वो चंपारण सत्याग्रह हो वो दा खेड़ा आंदोलन हो वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ठीक है ये सारे के सारे गांधी जी के वो असहयोग आंदोलन हो ठीक है वो खिलाफत आंदोलन हो सारे के सारा इसी के टाइम पर इसके टाइम पर चम्सफोर्ट के शासन का क्लियर जितने बच्चे नए हैं वो सभी इस टेलीग्राम जी के राख हो चलो सवाल बहुत सारे हैं ठीक है इस सवाल को आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए और आंसर कीजिए सवाल अभी हैं और टाइम इनमें लगेगा ठीक ना बिल्कुल चलो तो आप देख पा रहे होंगे अगर टेस्ट बुक का ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है बाबू लोगों ने सभी बच्चे बाबू कर लेंगे डाउनलोड ठीक है इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए जीके के भाई राघव सर से सारी पी डी एफ आउट सॉल्विंग करेक्शन और अपने जीवन में इस बात को लेके आइए अपने जीवन में इस बात को लेके आइए सब कुछ अच्छा लगने लगेगा सब कुछ बेहतर लगने लगेगा ठीक है ठीक है ना दोस्त हाँ और रात को हम लोगों की क्लास होगी बिहार पुलिस पुलिस दरोगा मदनिशे सिपाही मदनिशेष सिपाही ठीक है और फायरमैन फायरमैन ठीक है सभी बच्चे सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे रात नौ बजे रात नौ क्लियर ठीक बाकी सिविल कोर्ट का अगर कोई भी बच्चा बैच लेना चाहता है मौका बहुत अच्छा है सारे सिविल कोर्ट में मतलब इसमें प्यून भी मिलेगा में क्लर्क भी मिलेगा ठीक है और इसी में स्टेनो मिल जाएगा आपको और इसी में कोर्ट रीडर मिल जाएगा मतलब सारी चीजें एक ही इसमें मिल जाएंगी तीन महीने के लिए है टू सिक्स नाइन में और मॉक टेस्ट भी मिलेगा तीन महीने के लिए हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा और सब कुछ मिलेगा पूरा ठीक है ओपन कोड आपको राघव आर ए जी एच ए इसका इस्तेमाल करना है और टेस्ट बुक ऐप से या टेक्स्ट बुक डॉट कॉम से अपने आप को एनरोल कर लेना है मद निषेध इसका भी अभी पेपर मे में होने की संभावना है तो ये भी टू सिक्स नाइन में ही आपको तीन महीने के लिए मिलेगा कोई भी बच्चा एनरोल होना चाहता है तो वो हो सकता है कूपन कोड विल बी सेम टू क्या आर ए जी एच ए वी मॉक टेस्ट पी पूरी क्लास सब कुछ मिलेगा ठीक है और ये अगर मान लो चाहता है कोई बच्चा कि हमें निषेध भी चाहिए दरोगा भी चाहिए सब कुछ चाहिए सिविल कोर्ट भी चाहिए तो वो चार सौ उनचास रुपये देगा तीन महीने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलेगा उसको तीन महीने के लिए सारे और सारी क्लास मिलेगी कूपन कोड सेम है राघव ही लगाना ठीक है कूपन कोड सेम है राघव ही लगाना है और जुड़ जा ठीक है बाबू लोग और आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग मुलाकात करेंगे को नौ बजे ठीक है आप सभी बच्चों को राम राम राधे राधे शस्त्री आप जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त हर हर महादेव सभी को नमस्कार है बाय बाय टेक केयर ओके थैंक यू थैंक यू सभी बच्चों